सिलेंडर लोरिस भारत और श्रीलंका में ही पाया जाता है, हालांकि इसकी अन्य प्रजातियां दक्षिण एशिया के देशों में भी मिल जाती हैं। सिलेंडर लोरिस पतला होता है, इसकी दो प्रजातियां होती हैं, रेड सिलेंडर लोरिस और ग्रे सिलेंडर लोरिस। ये अपना ज्यादातर समय पेड़ों के ऊपर बिताते हैं, ये धीमे धीमे चलते हैं, इसलिए इन्हें स्लो लोरिस भी कहकर बुलाया जाता है। सिलेंडर लोरिस के शरीर से एक ताकतवर जहर निकलता है जो उनके कोहनियों के पास से निकलता है। वो अपने शिकार को मारने से पहले ये जहर अपने दांतों पर रगड़ते हैं और उसके बाद शिकार पर हमला करते हैं। अगर जहर वाले दांतों से सिलेंडर लोरिस इंसान को काट ले तो इंसान कुछ देर के लिए कम से कम बेहोश तो हो ही सकता है, यानी जान नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए हट्टे कट्टे इंसान भी बेहोश हो जाएंगे। सिलेंडर लोरिस आमतौर पर झाड़ियों वाले जंगल और दलदली इलाकों के आसपास पाए जाते हैं। ये आमतौर पर कीड़े, छिपकलियां, पौधे, नए तने और फल खाते हैं। ये ज्यादातर अपना शिकार रात के समय ही करते हैं। पहले इन्हें बंदरों की प्रजाति में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें अलग कर दिया गया।